अस्सलाम वालेकुम। भाईजान एक 13 प्रो मैक्स दे दें। भाईजान इसका प्रोटेक्टर, ग्लास, कैमरा लेंस और चार्जर दे दें। शुक्रिया भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये अब बड़े हो चुके हैं माशाल्लाह से, मैं इनको फ्रूट डालता हूँ, ये खाते हैं। और ये गीला हो गया है सारा, इसकी वजह क्या है, मैं इसमें पानी डाल गया था इनको पीने के लिए। ये नहाते रहे हैं, इसने तो बहुत ज्यादा पिया है पानी भी और नहाया भी है, और ये भी नहाता रहा। और यहाँ पर आज हम थोड़े से लेट हो गए आने में, आपको तो पता होगा हम कहाँ चले गए थे, मैं और अहमद मोबाइल लेने चले गए थे, तो अभी वापस आए हम, थोड़े से लेट हो गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर जाने से पहले हमने सारा कुछ दाना पानी इनको डाल दिया था। कबूतर सुबह से निकले हुए थे वहाँ से जहाँ से कल निकल गए थे, तो इसलिए कबूतरों को भी बंद कर गए थे। अभी यहाँ की कोई टेंशन नहीं है, बस एक दफ़ा फिर कबूतरों को निकालना है, खरगोशों को निकालना है, बकरी आपको दिखानी है, और उसके बाद इस तरफ आएंगे, और फिर हम अपना जो आईफोन है जो मैं लाया हूँ वो हम अहमद को देने की कोशिश करेंगे। अहमद के लिए एक चीज़ और भी लाया हूँ, वो भी अहमद को देंगे, जो अहमद को पसंद हुआ अहमद वो ले सकता है। मैं सुबह जब आया था तो ये हटी हुई थी, ये भी नीचे गिरा हुआ था। अबू ने हो सकता है निकाली हो, लेकिन नॉर्मली अबू कबूतरों को यहाँ से निकालते हैं। खैर ये जब वापस अंदर आए तो मैंने इनको बंद कर दिया, ये आगे लगा दिया। अभी मैंने ये वाला जो छोटा दरवाजा है यहाँ पर नहीं लगाया, क्योंकि प्लस्तर हुआ हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि एक आध दिन और इंतजार कर रहते हैं, प्लस्तर कच्चा ना हो, इसको पानी लगाते हैं अच्छे से, जब ये पक्का हो जाएगा हमने इस तरह का कलर करना है यहाँ पर, ताकि वो जगह बुरी ना लगे, फिर हम ये दरवाजा लगा देंगे। और ये फिर पहुंच गए, इसको अब दरवाजा खोलने का तरीका आ गया। ये देखें, अब दरवाजा खोल रहे हैं। अभी यहाँ से मुर्गियों के पास जाएगा और वहां से सीधा फिर बकरों के पास चला जाता है। कबूतरों को तो इस वक्त मैं निकाल नहीं सकता, क्योंकि फिर कबूतर वापस आने वाले नहीं है। वैसे कबूतरों का बहुत दिल है, और यहाँ पर चारा दो तीन दिन से वैसे ही पड़ा हुआ है। अभी अंडे भी मैंने नहीं उठाए, और बकरे मुझे देख के ना अभी शोर मचाना उन्होंने शुरू कर दिया। दो बकरे बैठे हैं, एक खा रहे हैं, काला वाला मुझे देख रहा है, और एक सुर्ख वाला वहां से ना अपने कमरे में से ना सर निकाल के मुझे देख रहा है। यहाँ पर मैंने एक चीज नोट की है, ये अभी अभी मैंने नोट की है, इस बच्चे की हालत मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही। ये देखें, ये मुंह से सांस कैसे ले रहा है अजीब अजीब तरीके से। ये वैसे बीमार तो था, लेकिन इसको कोई और बीमारी तो नहीं थी जिस तरह ये सांस ले रहा है। एक बच्चा यहाँ पर है जिसके पर को थोड़ा सा मसला हो गया था, ये तो बिल्कुल एक्टिव है, खा पी रहा है, लेकिन इसको क्या मसला हो गया, ये देखें। और ये गीला गीला भी हुआ हुआ है यहाँ पर, ये देखें, इसके मुंह में पानी तो नहीं चला गया, ये कहीं यहाँ पर गिर तो नहीं गया। खैर अगर कोई सांस का भी प्रॉब्लम हो तो पता चले। और ये देखें कबूतर भी निकल गए हैं, तो खैर अब ये निकल गए हैं तो इनको निकाल लेते हैं, उस तरफ उड़ के चले गए हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी सी देर तक आ जाएंगे। अभी घंटा डेढ़ घंटा है इफ्तारी में, तो हो सकता है तब तक वापस आ जाएं। इस बच्चे को भी बाहर रखते हैं, और यहाँ से भी चलते हैं बकरों की तरफ। यहाँ सामने मुखी का एक बच्चा किसी तरीके से नीचे आ गया, पता नहीं ये कैसे आ गया यहाँ बॉक्स के ऊपर, यहाँ पर इसी ने शोर मचाया हुआ है। और अभी मुझे लगता है माँ बाप को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और कहीं जा नहीं पा रहा, ऊपर भी नहीं जा पा रहा, नीचे भी नहीं आ पा रहा। तो अभी मैं ना अंदर जाता हूँ और इसको इसके बॉक्स में छोड़ देता हूँ। ये माशाल्लाह शिराजी का बच्चा अच्छा खासा बड़ा हो चुका है, लेकिन ये जगह गंदी हो गई है। खैर जब ये बड़ा होकर बाहर आएगा तो हम इस जगह को साफ करेंगे। ये मुखी का बच्चा, और ये काट रहे आगे से, ये देखें इतना छोटा सा तो एक काटने की कोशिश कर रहा है। इसको ना हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका बाकी वाला जो बहन भाई है ना यहाँ पर है, देखिए अपनी जगह पे आ गया। ये बड़ा वाला है, और ये छोटा वाला जिसने शोर मचाया हुआ है, और ये हमारा सेंटी। मुझे लगता है माशाल्लाह बच्चा निकल आया, मुझे लगता नहीं है, कन्फर्म हो गया कि बच्चा निकल आया। अब ये नहीं पता एक बच्चा या दो है, तो हम चेक कर लेते हैं किसी बहाने से, दूसरा बच्चा भी निकल आया है यहाँ से, मुझे नजर आ गया। ये देखे माशाल्लाह दोनों बच्चे निकल आए, बल्कि एक निकल रहा है अभी, अंडे से एक निकल रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें दूसरा माशाल्लाह से अंडे से निकल रहा है, और हम अंडा उठा ही लेते हैं छिलके को, ताकि ये बच्चा भी बाहर आ जाए। और ये तो दूसरा छिलका भी हम नीचे फेंक देते हैं। एक छिलका तो मैंने सुबह देखा था, इसलिए मुझे शक हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा सेंटी ने दोनों बच्चे निकाले हैं, और ये हमारे लकी साहब बैठे हुए हैं, ये आज बाहर नहीं निकला। और इसके सर के बाल जो है ना यहाँ पर अभी आते जा रहे हैं, और यहाँ पर जो बाल थे ना वो भी पूरे होते जा रहे हैं। तो ये रहे जी माशाल्लाह हमारे बकरे। अब ये दो दफा बाहर जाते हैं, एक दफा सुबह एक दफा शाम को। अभी इनके पेट माशाल्लाह से फुल हैं, पानी की बाल्टी पड़ी हुई है उसमें पानी है। और यहाँ मैं इनको जाते वक्त चारा
चारा डाल के गया था बना के, और इन्होंने बिल्कुल सफाई कर दी है। शुक्र है अब इन्होंने ये चारा वगैरह खाना शुरू कर दिया है। बस ये जालियों के साथ ऐसे चिपक जाते हैं ना, जाली टूट ही ना जाए। बाकी दोस्तों मैंने सोचा है कि इन तीनों का हम नाम रखें, तो तीनों के तीन नाम होने चाहिए। तो आपने मुझे कमेंट्स करके बताना है कि इनका क्या नाम रखा जाए। जिनके नाम मुझे पसंद आएंगे इंशाल्लाह ये वीडियो देखते ही हम वो नाम रख लेंगे, और साथ ही हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि हमने इनके वो नाम रख दिए। बस नाम आपने अच्छे अच्छे बताने हैं। ये रहे हमारे मुर्गे जो कि मुझे अच्छे लगते हैं, घर वालों को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। एक तो इतना शोर मचाते हैं, दूसरा यहाँ पर जब हम आते हैं बकरों की तरफ ये भागते हैं, यहाँ मट्टी उड़ती है और सारी मुंह पे और आंखों में चली जाती है, इसलिए घर वालों को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे पसंद है, और वजह क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। वजह सिर्फ ये है जी, ये वजह है अंडे, और आपको भी इसी वजह से ये पसंद होंगे अंडे। माशाल्लाह से देखें दो तीन दिन के अंडे हैं और यहाँ पर भी काफी हो गई है, लेकिन उठाने का वक्त ही नहीं मिलता। पहले वाले अंडे भी इतने ज्यादा पड़े हुए हैं, मैंने एक दो दुकानदार भाइयों से बात की है, मैंने उनको बोला यार आप जिस रेट में आप फार्मिंग अंडा लेते हो ना उससे भी 1 रुपया सस्ता ले लो, बस हमसे ले लो। तो उन्होंने कहा ठीक है आप हमें अंडे ला के दे दें, तो फिर मुझे देने का टाइम भी नहीं मिला। तो खैर आज इफ्तारी के बाद में ये सारे अंडे इकट्ठे करता हूँ, कुछ वहाँ पड़े हैं कुछ घर के अंदर है, ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो सारे उठा के ना किसी शॉप वाले को दे देते हैं। अभी हम निकालते हैं इनको। इनको वैसे मैंने सुबह निकाला था, जब मैं गया था उससे पहले मैं इनको बंद करके गया था, और एक हमारा जो रैबिट है ना उसका जो फ्रंट वाला पाँव है ना उसमें थोड़ा सा मसला हो गया, वो जमीन पे ऐसे नीचे नहीं रख सकता, पता नहीं उसको क्या हुआ है। लेकिन मैंने उसको चेक किया था, मुझे महसूस कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो ऐसे रख नहीं सकता, उसको शायद दर्द होता है, लेकिन भागता बहुत तेज है एक पाँव पे भी, बाप के साथ ना चिपके हुए हैं यहाँ पर। तो खैर इनको हम जल्द अच्छी जगह पे शिफ्ट करने वाले हैं, खुली जगह पे, ये जगह वैसे ही कम है इनके लिए। और यहाँ पर इनकी माँ और इनके बाकी बहन भाई सोए हुए देखें कैसे हैं, जैसे किसी नवाब के बच्चे हों। इतने मजे से कार्नर में सारे इकट्ठे हुए हैं, माशाल्लाह से सबकी आंखें भी खुल चुकी हैं, और अब ये मुझे देखते हैं ना तो भाग के उस कार्नर में चले जाते हैं। फिलहाल तो ये सो रहे हैं और फीमेल यहाँ पर है, लेकिन जब फीमेल अंदर जाती है ना तो ये उछलते कूदते हैं, और फिर कुछ कुछ बाहर भी आ जाते हैं, और बाहर आते हैं फिर भाग के खुद ही अंदर भी चले जाते हैं। इसको देखें पकड़ लेगा बीमार वाला जो बच्चा है, खैर ये तो कहीं नहीं जाता। और ये देखें इब्राहिम नहीं करो, रख दो रख दो रख दो रख दो रख दो रख दो, चूचू नहीं है ये, चूचू नहीं है, इसको रख दो मुझे दे दो। और ये नीचे लगे अब नहीं, इसको हाथ लगाना, और बाकी इसने उड़ा के यहाँ पर ऊपर चले गए हैं, सारे उड़ा दिए। मुझे यहाँ पर एक चीज़ का डर था और वो हो गई है। मुझे डर ये था हमारा जो किंग का पेयर है वहाँ शिफ्ट करने से पहले पहले यहाँ कहीं अंडे ना दे दे, और इन्होंने अंडे दे दिए। इनको कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी, मुझे लगा कि अभी दो चार दिन और लगाएंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अंडे दे देंगे। और यहाँ पर देखें मेल अपने चारों बच्चों के साथ और फीमेल वहाँ ऊपर बैठी हुई है, और यहाँ से मुझे अंडे नज़र आ रहे हैं, हो सकता है जूम करने से शायद नज़र आ जाएं। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पर आपको शायद नज़र आ रहे हों नीचे दो अंडे इसने दे दिए हैं। पहले एक था, कल तक तो मुझे एक नज़र आ रहा था, लेकिन अभी ये दूसरा अंडा भी मुझे नज़र आ गया, और ये बैठ गए हैं। अब गर्मी बहुत ज़्यादा है, इनसे हमने ब्रीड भी नहीं लेनी, अब इन अंडों को क्या किया जाए आपने मुझे बताना है। अभी गर्मी शुरू हो गई है, और गर्मी में मुझे सब ने मना किया है कि कबूतरों से ब्रीड नहीं लेनी, बच्चे बीमार होते हैं, अजीब से बच्चे होते हैं, पलते नहीं हैं ठीक से, कभी क्या मसला कभी क्या मसला, तो इसलिए अब हम इनसे ब्रीड नहीं ले रहे। मैं सोच रहा हूँ कि ये जो दो अंडे हैं हम निकाल देते हैं। ऊपर वाले भाई जो हैं वो भी अंडे मांग रहे थे, कह रहे थे कि मुझे अंडे चाहिए, तो मैं उनसे पूछता हूँ क्योंकि ये अंडे कन्फर्म फर्टाइल हैं, दो दफ़ा पहले इन्होंने दो दो बच्चे निकाले हैं, तो अब 20 दफ़ा भी इंशाल्लाह ये बच्चे निकालेंगे। ये अंडे उन भाई को दे देते हैं ऊपर वाले, अगर वो अपने कबूतरों के नीचे रखना चाह रहे हैं। यहाँ पर जितने भी बच्चे आ चुके हैं ये तो आ चुके हैं, अब यहाँ पर किसी से भी मैं ब्रीड नहीं लूँगा, लेकिन एक मसला ये है कि मुझे बॉक्स उतारने पड़ेंगे, और बॉक्स यहाँ पर पक्के फिट हुए हुए हैं तो इनको उतारना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये वाला बॉक्स तो आसानी से उतर जाएगा, 2 किलो के साथ लगा है। हम एक चीज करते हैं कि सेम ये वाले जो बॉक्स है ना उस तरह की कीलों के साथ ना हुकों के साथ इनको भी लगा देंगे बाद में। फिलहाल हम इसको उतार लेते हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कल तक हमारा ये वाला जो पिंजरा है ना बड़ा वाला ये लग जाएगा, ये वाला दरवाजा भी लग जाएगा, फिर हमारे कबूतर यहाँ भी रह सकते हैं, यहाँ भी रह सकते हैं, और हम यहाँ पर भी बाद में बॉक्स लगा देंगे ताकि परिंदों को कोई मसला ना हो, हवा वगैरह का क्रॉस भी अच्छे से हो जाए। चूजे हमारे माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है, एक वही चूजा जिसके पाँव को मसला था वो थोड़ा सा नरम गरम है, और ये देखें एक ही चूजे के ऊपर आके गिर जाते हैं। सुबह में इनको ये भर के गया था और अभी इन्होंने खत्म कर दिया। इंशाल्लाह इनको जल्द वैक्सीन करनी है, और मैं दवाई भी ले आया हूँ, और जो डॉक्टर साहब थे शॉप पे उन्होंने मुझे तरीका भी बता दिया है कैसे वैक्सीन करनी है और क्या तरीका है सारा कुछ। इंशाल्लाह जल्द हम इनको वैक्सीन करेंगे, तो मैं तरीका आपके साथ भी शेयर करूंगा। यहाँ पर जो मैंने कद्दू लगाए थे ना, कद्दू के बीज छोटे छोटे यहाँ पर मैंने लगाए थे, अब मुझे नहीं पता ये वही कद्दू के बीज निकले हैं या कोई और घास वगैरह निकला है, लेकिन यहाँ पर देखें 1, 2 ये छोटे छोटे यहाँ पर भी निकले
निकल रहा है यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। अब कंफर्म नहीं है, धोखा भी हो सकता है, जैसे हमारे साथ पहले भी हुआ है, जो गमलों में हमने बीज लगाए थे वहाँ पर घास निकल आया और मैं फूल समझता रहा। इसी तरीके से अभी भी हो सकता है ये घास हो, क्योंकि पानी लगाया मिट्टी में बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है ये घास हो और मैं समझ रहा हूँ कि वही कद्दू के बीज है। फिर आ गया जी इब्राहिम, आप इसको हाथ नहीं लगाना, मैं बता रहा हूँ इसको हाथ नहीं लगाना, वापस चले जाओ, ये वापस रखो। पिछली दफा हमने यहाँ पर सारे घने टमाटर लगा दिए थे, जिसकी वजह से ना वो टमाटर लगे तो थे उनके साथ अच्छे भले पड़े थे, लेकिन सब जाया हो गए। इस दफा हमने दूर दूर टमाटर लगाए हैं। यहाँ पर देखे टमाटर, ये टेंडे, यहाँ पर टमाटर, इसी तरह लाइनों में टमाटर लगे हुए हैं। और माशाल्लाह से सब्ज मिर्चें जो हमने लगाई हैं ना, वो भी निकल आई हैं, और वो सारी सब्ज मिर्चें इस तरफ हैं। यहाँ पर देखें एक महीना भी नहीं गुजरा होगा इनको, और माशाल्लाह से यहाँ पर देखें मिर्चें लगना साथ स्टार्ट हो गई हैं। और इसी तरीके से ये देखें आगे, और हमारी जो लीचियाँ हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखें इनके पत्ते भी निकलना शुरू हो गए हैं। उम्मीद है कि इस सीज़न में ये हमारे जितने भी पौधे हैं अच्छे खासे बड़े हो जाएंगे। उस तरफ फलों के जितने भी पौधे लगे हुए हैं यहाँ पर, इनके साथ अभी से ही फल लगना शुरू हो गए हैं। माशाल्लाह से हमारे जो नीचे वाले चार पेड़ हैं, इनके टोटल 15 बच्चे आए थे, जिसमें से दो आपने देखा तक पहले ही मार गए थे, लेकिन बाकी जो 13 बच्चे आए हैं उनको मैं बचाने में कामयाब हो गया हूँ। अभी तक फिलहाल तक तो वो बच्चे सारे ठीक हैं और माशाल्लाह अच्छे से पल रहे हैं, आगे का मुझे नहीं पता। और ये वाला जो पेयर है ना, ये वाला मेल यहाँ पर बैठा हुआ कॉर्नर में, फीमेल अंडों पे है, इंशाल्लाह जल्द ये भी बच्चे निकाल देगी। और ये थोड़े से मशकूक हैं, इनका कोई पता नहीं चलता। फीमेल फिलहाल तो अंदर है, अंडों पे बैठी हुई है, बच्चे निकले तो ठीक है, वरना इसके बाद वैसे ही मैंने बॉक्स उतार देने हैं। फीमेल बाहर आ गई है, वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये बॉक्स से बाहर आ गई है। तो इस दफ़ा यह लास्ट क्लच है इनका, उसके बाद हम इनके बॉक्स उतार देंगे। वैसे ही गर्मी है और इन्होंने वैसे भी ब्रीड उसके बाद नहीं करनी। बजीज हमारे जो है ना, ये मटकियों के अंदर जाना शुरू हो गए हैं। मुझे मटकियाँ लगानी थी यहाँ पर भी और इस तरफ भी, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा इतना लगाने का। और वैसे भी यहाँ फ़िलहाल मटकियाँ हैं, कोई मसला नहीं है इतना, अगर कुछ ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो हम लगा देंगे। गर्मियों में इनकी मटकियाँ यहीं पर रहेंगी, क्योंकि ये गर्मियों में भी ब्रीड करेंगे, इनसे हम बच्चे लेंगे, क्योंकि ऊपर पानी है तो ये सारा दिन नहाते रहते हैं, कूलर भी अंदर चलता है, तो इनको इतनी गर्मी का एहसास नहीं होगा। एक और खुशखबरी वाली बात यह है कि हमारी जो डायमंड डब है, इसकी फीमेल को मैंने सुबह देखा है यहाँ पर बैठी हुई थी, अभी मेल बैठा हुआ है जो उसको यहाँ पर लाने के लिए कोशिश कर रहा है, और फीमेल यहाँ थी। इस वक्त फीमेल जो है हमारी तरफ नीचे है, अब मुझे ये भी नहीं पता अंडा इसने दे दिया और किसी और मेल ने तोड़ दिया हो, ऐसा भी होता है अक्सर। तो एक मेल यहाँ पर बैठा तो है, हो सकता है फीमेल यहीं पर अंडा दे दे, क्योंकि एक मेल वहाँ पर भी बैठ जाता है, एक फीमेल को वहाँ ले जाता है, एक फीमेल को यहाँ ले जाता है। जब वो यहाँ पर आती है तो वो वाला आके मारता है, और जब वो वहाँ पर जाती है तो फिर ये वाला आके उसको वहाँ से मार के उठा देता है, तो इसलिए फीमेल यहाँ पर ठीक से रह नहीं पा रही। अभी आते हैं जी हम अपने आज के मेन टॉपिक की तरफ। हमारा मोबाइल अहमद आ रहा है, उसको मैंने बुलाया हुआ है। आते वक्त मैंने एक दो घड़ियाँ भी ले ली थी, सोचा कि एक अहमद को दे दूँगा और एक ही दे दूँगा अली को। अली ने तो खैर देखी है तो जल्दी से गया, मुझे बहुत पसंद है, उसने तो ले ली थी। अभी अहमद की पड़ी हुई है, अहमद को वो भी दिखाते हैं और ये भी दिखाते हैं। अब वैसे अभी घर वालों को पता चला कि अहमद को देने के लिए मैं लाया हूँ, वैसे वो लेगा तो नहीं, बच्चा है उसको इन चीज़ों की आप सब ने ही कहा है कि ज़रूरत भी नहीं है, तो हम उसको कोशिश करेंगे वही दे ना, वो ये लेगा ना उसको किसी मोबाइल का पता है, वो तो बटनों वाला जो मोबाइल है ना वो भी उसके सामने रख दें तो उसका भी उसको लॉक खोलना नहीं आता। बहरहाल मुझे आईफोन का कोई शौक नहीं है, घर वालों के पास आईफोन है लेकिन मुझे ये चलाने में बहुत मुश्किल पेश आती है। मैं एंड्रॉयड यूज़र हूँ शुरू से, तो नॉर्मली एंड्रॉयड यूज़ करता हूँ, मेरे पास दो मोबाइल हैं, एक से वीडियो बना लेता हूँ, एक नॉर्मली यूज़ कर लेता हूँ। तो अभी ये हमने ले तो लिया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको भी चलाया करें और इस पर वीडियो बनाया करें। मैंने सुना है कि आईफोन की जो वीडियो क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी होती है, तो इंशाल्लाह कल वाली जो वीडियो ना हो सकते हैं हम इस पर बनाएं, तो आपने फिर बताना है कि आपको ये वाली क्वालिटी पसंद है या फिर वो वाली क्वालिटी। यहाँ पर शॉपर पड़ा हुआ है और ये घड़ी है और ये मोबाइल है यहाँ पर, और अहमद ये देखें इस तरफ आ रहा है। अहमद भाग के हो, भाग के हो। अभी हम अहमद से पूछते हैं अहमद को क्या चीज़ चाहिए, हम दोनों इसके सामने रखते हैं। चलो अहमद इधर बैठो ज़रा, अब मैं तुम्हारे लिए दो चीज़ें लेके आया हूँ, ठीक है, जो तुम्हें पसंद हुआ ले लेना। एक चीज़ ये है और एक चीज़ ये है, ठीक है। ये क्या है पता है? मोबाइल है, एक मोबाइल है और एक ये घड़ी है। तुम्हें क्या चाहिए? घड़ी। पक्की बात है? तो ये ले लो, ये ले लो, अच्छा है। देखो एक दफ़ा, ये पकड़ो, ये देखो फिट है ना, ले लो। चलो जो चीज़ चाहिए ले लो। घड़ी लेनी है, चलो निकालो। अहमद ने घड़ी ले ली है, क्योंकि मुझे पता था वो घड़ी लेगा। लास्ट टाइम भी ना ईद पे से मुझे बोला था कि भाई मुझे घड़ी लेके दें,
तो इसने घड़ी ली थी। तो इस दफ़ा तो खैर अभी मैंने इसको घड़ी ला के दी है, जल्दी में ली थी, लेकिन इंशाल्लाह इसको अच्छी वाली घड़ी ला के देनी है चांद रात से पहले पहले। और एक और चीज़ ये कि अहमद अब हमारे घर पक्का पक्का आ चुका है। पहले ये शॉप पर भी जाता था लेकिन मैंने इसको मना कर दिया, अब ये कहीं पर भी नहीं जाएगा, शॉप पर नहीं जा रहा, अब ये पक्का पक्का हमारे घर होता है। मोबाइल और डब्बा सारी चीज़ें अहमद लेकर जा रहा है, मैंने भरना है ये पानी। और जब से मोबाइल आया ना ये उसी डब्बे के अंदर पड़ा हुआ है, मुझे बिल्कुल भी आईफोन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अभी इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं। उससे वीडियो कल से बनाएंगे, देखेंगे क्वालिटी अगर अच्छी हुई, मुझे पसंद आया, एक दो दिन यूज़ करूँगा तो ठीक, सिम वगैरह इस्तेमाल कर लेंगे, नहीं तो फिर उसको भी हम रख देंगे, या फिर मैं सेल कर दूँगा, या फिर घर में किसी को दे दूँगा, क्योंकि घर में वैसे ही आईफोन के यूज़र हैं, तो अगर किसी को चाहिए हुआ तो दे दूँगा, नहीं तो मैं खुद इस्तेमाल कर लूँगा। और उसके अलावा अभी जल्दी से मुझे भरना है इस बोतल के अंदर पानी, क्योंकि इफ्तारी का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है और घर में चाहिए पानी और घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था, आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद, अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।